के म्योरपुर थाने का एसपी आशीष श्रीवास्तव ने वार्षिक निरीक्षण किया। थाना परिसर में पहुंचते ही पुलिस कर्मियों ने सलामी दी। उसके बाद एसपी ने थाना परिसर का भ्रमण करते हुए थाना कार्यालय, हवालात, मालखाना, कंप्यूटर कक्ष में इस बैरक का निरीक्षण किया। थाना परिसर को साफ व स्वच्छ रखने एवं कार्यालय के अभिलेखों को बेहतर व थाने पर असलहों को व्यवस्थित रखरखाव हेतु निर्देश दिए गए। उन्होंने थाना अध्यक्ष म्योरपुर को निर्देशित किया, थाने पर आने वाले पीड़ित शिकायतकर्ताओं को पीली पर्ची देते हुए प्रार्थना पत्रों को रजिस्टर में क्रमबद्ध तरीके से अंकित करें, उसकी शत प्रतिशत सुनवाई करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही करने हेतु संबंधित को निर्देश दिया गया। निरीक्षण के दौरान पुलिस स्टाफ के रहने के लिए एल्बेस्टर की जगह पक्की लेंटर और अतिरिक्त शौचालय बनवाने का थाना अध्यक्ष म्योरपुर को निर्देश दिया। पत्रकारों से वार्ता के दौरान लीलासी वन भूमि मामले में कहा कि लीलासी वन भूमि पर जो भी कब्जाधारी हैं, वे पूरी तरह से अनलीगल है। ग्रामीण वन विभाग की भूमि छोड़ दे, कानून हाथ में ना ले। सोनभद्र से संवाददाता पंकज सिंह की रिपोर्ट। लीलासी वन भूमि मामला सर जो था, पूर्व में आरपी सिंह साहब, एसपी साहब उस पर वृक्षारोपण भी करके चले गए थे और सब कुछ शांत था, लेकिन अभी कुछ महीनों से, महीना दो महीना से, ग्रामीण उस पर फिर से कब्जा के मूड में पूरे आ गए हैं और वो ना वन विभाग का सुन रहे हैं ना पुलिस का सुन रहे हैं, वो सीधे लड़ाई करने के मूड में है। सर, पुलिस उस पर क्या कर रही है? सर, जो अभी कुछ दिन पहले लीलासी में जो घटना हुई, उस संबंध में आप सबको जानकारी है। इस संबंध में पुलिस के द्वारा दो जगह पर मुकदमे लिखे गए हैं, यहाँ थाना म्योरपुर पे और थाना बुजुद्दीन में। ज़मीन वन विभाग की है, वन विभाग ने भी एक एक्शन प्लान तैयार किया है कि किस प्रकार से इस तरह के अतिक्रमणकर्ताओं से निपटना है। इसके अतिरिक्त पुलिस ये जानकारी करने की कोशिश कर रही है कि इन ग्रामवासियों को भड़काने में किसी और का बाहर से हाथ तो नहीं है। यदि किसी प्रकार का इस प्रकार का हाथ बाहर से समझ में आता है तो उनके खिलाफ़ भी कार्रवाई करी जाएगी। लगातार हम ये कोशिश करेंगे लोगों को समझाने की कि इस तरह से लोग कानून अपने हाथ में ना लें। जो चीज़ है उसको अगर उनको लगता है या अधिकार है उनका, तो उसको मांगने का तरीका है, उस माध्यम से आएँ। यदि कोई जबरन किसी प्रकार का कोई घटना करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ जो भी हमारे पास पावर है हम सबका उपयोग करेंगे। ठीक है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।